हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन शेयर टिप्स डॉट कॉम। और आज का टॉपिक बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये आपको बताएगा कि आपने ट्रेड के अंदर कब एंटर करना है और कौन सी गलती नहीं करनी है। अगर आपको पता हो कि आपने कहां पर मरना है, तो आप अगर वहां जाएंगे ही नहीं तो आप मरेंगे नहीं। तो ये कोट चार्ली मुंगेर का है। और अगर आपको पता हो कि मैंने क्या गलती इंट्राडे में ट्रेड करते हुए या स्विंग ट्रेड करते हुए नहीं करनी है, तो यू आर लाइकली टू चूज अ विनिंग स्टॉक, विनिंग ट्रेड, जिसमें आप अच्छा पैसा बनाएंगे और हर ट्रेड आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें और आगे ग्रुप्स में भी भेजिए। चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। तो हम आपको बताएंगे कि ट्रेड में करेक्ट टाइम कौन सा है एंट्री लेने का, और उसके लिए हम बिना कोई टाइम वेस्टेज किए हुए आपको डायरेक्ट क्रक्स पॉइंट पे ले जाएंगे, सो दैट यू अंडरस्टैंड इट फॉर द लाइफ टाइम और दोबारा गलती ना करें। आप इस इमेज को अपने दिमाग में बिठाइए, और इसमें से एक गलत इमेज है और एक राइट इमेज है जिसके ऊपर आपने एक्शन करना है। तो उसको हम कह सकते हैं वन इज ब्लैक डेमो, अदर इज व्हाइट डेमो। तो पहले हम देखते हैं ब्लैक डेमो, जो कि आपकी गलती को दर्शाएगा और आपको हो सकता है ट्रेड में नुकसान पहुंचाए। तो सबसे पहले क्या है, जो लालची ट्रेडर है वो यहां पे अपना बाय ट्रेडर एग्जीक्यूट कर देगा। लालची ट्रेडर की कैटेगरी में इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि वो सिखाए हुए तरीके से ट्रेड नहीं करेगा, और वो सोचेगा कि मैं दुनिया से पहले एंट्री कर जाऊं ताकि मेरा ट्रेड का प्रॉफिट ज्यादा बढ़ जाए, और हो सकता है उसको इस लालच के करके लॉस को भुगतना पड़े। तो आपने याद रखना है, जब तक के ब्रेकआउट का लेवल पूरा कंप्लीट 2/3 यानी कि 2/3 उसका कैंडल क्रॉस नहीं करता, आपने उस ट्रेड के अंदर एंटर नहीं करना। वो कैंडल फॉर्मेशन कोई भी टाइम फ्रेम का हो सकता है, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 75 मिनट, 125 मिनट, 4 आवर्स, और 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, एनी टाइम फ्रेम पर इस चीज को आपने याद रखना है। तो ये है आपका ब्लैक डेमो, जिसको हमने कर दिया क्रॉस। और ऐसी स्टेज में जब तक इस जगह के ऊपर से 2/3 कैंडल ब्रेकआउट ऊपर को नहीं जाएगा, आपने ट्रेड को नहीं लेना है। अब हम देखते हैं व्हाइट डेमो। व्हाइट डेमो के अंदर क्या है कि अब कैंडल ने थोड़ा सा ऊपर को, रेजिस्टेंस के ऊपर निकल गया है, तो जो हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं वो 1/3 कैंडल के ऊपर एंट्री ले सकते हैं। पर याद रखें, रिस्क रहेगा क्योंकि कैंडल अभी 1/3 है। और जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो देखेंगे कि 2/3 कैंडल रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट करेगा, तब हम एंटर करेंगे। ये वाला जो व्हाइट लाइन मार्क्ड है, ये स्टॉक का रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और सेफ ट्रेडर ने एंट्री करना है इस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर। तो याद रखें, इसको आप कपल कर सकते हैं वॉल्यूम के साथ। अगर ब्रेकआउट जब हुआ उसके साथ ही स्टॉक का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि बाइंग पावर आ रही है और आप इस ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। तो अगर ये वाला में अगर ये जो दो नीचे हमने लाल कैंडल्स ड्रॉ किए, अगर इसको हम बोले कि ये वॉल्यूम को डिपेक्ट कर रही हैं, और ये प्रीवियस वॉल्यूम कैंडल से बड़ी है, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस के ऊपर इसका सस्टेन करने का ज्यादा चांसेस है, एंड यू कैन गो अहेड इन द ट्रेड। याद रखो, कोई भी टेक्निक 100% होली ग्रेल नहीं होती, सिर्फ आपको अपना सिस्टम को मजबूत करना है, उस पर ट्रेड करना है, उसमें एक्सपर्टीज हासिल करनी है, और फिर उसको पुल द ट्रिगर करना है। यानी कि जब समय आया तब ये नहीं डरना कि मैं इसमें एंटर करूं
कि ना करूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो जब अच्छा ट्रेड आएगा तब आपकी कश्मकश के कारण वो स्टॉक निकल जाएगा और तब सिर्फ आप ये सोचते रह जाएंगे काश मैंने इसको पीछे वाले लेवल पे लिया होगा, और अगर वो और ऊपर चला जाएगा तो आप और सोचेंगे काश मैंने उसी समय ले लिया होता जब मैं सोच रहा था लेने का। तो अपने सिस्टम को सही मायनों में तगड़ा कीजिए, उसके ऊपर ट्रेड कीजिए और आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये है आपका वाइड डेमो एंट्री के लिए जिसमें आप एंट्री करेंगे। ब्लैक डेमो आपको दिखा दिया, इस तरह की गलती ब्लैक डेमो वाली आपने अपने ट्रेडिंग कैरियर में नहीं करनी, क्योंकि अगर ऐसी आप गलती बार बार करेंगे तो आपका ट्रेडिंग कैरियर बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिस्प रहेगा और आप आखिर में बोलेंगे स्टॉक मार्केट एक सट्टा बाजार है। याद रखें स्टॉक मार्केट इज ए साइंस बाय इटसेल्फ टू बी एग्जीक्यूटेड विद एन आर्ट। तो आपको हम ये आर्ट सिखाते हैं। जब आप हमारी कोई भी सर्विस में ज्वाइन करते हैं, भले ही हमारा इंट्राडे में आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में ज्वाइन करें जो हमारा सबसे अच्छा मुनाफा देता है, तो हम आपको ट्रेडिंग के साथ ही इस आर्ट की भी जानकारी देते हैं सो दैट यू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर इन लाइफ। अगला चार्ट हम दिखाते हैं जिसके अंदर आपको मार्क करके दिखाया है कि ब्लैक डेमो कौन सा है और व्हाइट डेमो कौन सा है। तो ये वाला आपका ये वाले के अंदर हमने मार्क करके आपको दिखाया है कि अगर सपोर्ट को तोड़ता है तो आपने एंट्री कहां करनी है। तो ये ब्लैक डेमो तब होगा अगर लालची आदमी यहां पे एंट्री करता है, तो दिस इज ए ब्लैक डेमो। और व्हाइट डेमो कौन सा है, जिसका मतलब है कि कब सही है, जब वो वाला लेवल को दोबारा रेजिस्टेंस के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर आकर के रीटेस्ट करेगा वो वाला एंट्री पॉइंट सही है, जो कि इस शॉट के अंदर ये वाला एंट्री पॉइंट यहां पे है जहां पे आपने एंट्री को एग्जीक्यूट करना है। तो ये पोर्शन इसका ब्लैक है और ये इसका व्हाइट डेमो है कि यहां पे अगर आप ट्रेड करोगे तो लाइकलीहुड ऑफ चांसेस कि आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और याद रखो अगर आपने व्हाइट डेमो के दौरान जो एग्जीक्यूट किया अगर उसमें स्टॉप लॉस लग भी जाता है तो टेक इट इन ए स्ट्राइड एंड कंसिडर इट एज अ ट्यूशन फीस टू द मार्केट। उसमें सल्क करने की जरूरत नहीं है बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम। अगर हर बार वो दिए हुए तकनीक के साथ ही काम करेगी मार्केट तो हर मैथमेटिशियन स्टॉक मार्केट में मल्टी मिलियनेयर बन जाता। नेक्स्ट आते हैं बुलिश ट्रेंड के लिए। अब इसमें क्या बुलिश ब्रेकआउट हो रहा है, यहां पे कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन का मतलब है कि मार्केट डिसाइड कर रहा है कि मैं ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं, और उसको कॉरोबरेट करता है कौन, लो वॉल्यूम। तो ये चीज याद रखना है जब कंसोलिडेशन हो जाता है विद लो वॉल्यूम और उसके बाद धीरे धीरे वॉल्यूम बढ़ना शुरू होता है तो ये समझ में आ जाता है कि अब मार्केट ने डिसाइड कर लिया है कि मैंने किस दिशा में जाना है। पर आपने फिर भी तब भी एंटर नहीं करना जब वो ब्रेकआउट करता है रेजिस्टेंस को तोड़ता है, आपने उसके रीटेस्ट का इंतजार करना है। यानी कि अगर यहां एंट्री करते तो ये आपका बन जाता ब्लैक डेमो। क्यों ब्लैक डेमो, क्योंकि जनरली जब ब्रेकआउट होता है तो वो एक बार एटलीस्ट नीचे आकर के रेजिस्टेंस पे रीटेस्ट करता है और कई बार रेजिस्टेंस के नीचे भी ब्रेक कर जाता है तो कई बार चार्ट नीचे की तरफ भी चला जाता है। और व्हाइट डेमो कब होगा, जब आपने इस जगह पे एंट्री किया तो आप सेफ सुरक्षित हैं और आपके चांसेस ज्यादा हैं कि आप एक अच्छा मुनाफे वाला ट्रेड बनाएंगे। तो याद रखिए ये ब्लैक और व्हाइट डेमो जो हमने एक्सप्लेन किए हैं, साथ में आपको एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ वॉल्यूम, और जब ब्रेकआउट होगा तो वॉल्यूम्स ऊपर हायर
वॉल्यूम के साथ इंक्रीज होगा, जो कि आपको ये पुष्टि करेगा कि मेरा ट्रेड सही है, ब्रेकआउट होने वाला है और इसके अंदर मुझे अब फुल थ्रॉटल के साथ ट्रिगर को दबा देना है। तब ये मन में शंका नहीं आनी चाहिए कि मैं कितना करूं, मैं एक लॉट लूं कि पांच लॉट लूं। तब आपको अपना दिया हुआ ट्रेड स्ट्रेटेजी में आपने फुली एग्जीक्यूट करना है, जिसे बोलते हैं पुलिंग द ट्रिगर। आधे आदमी स्टॉक मार्केट में इसलिए नहीं पैसा बना पाते क्योंकि वो राइट टाइम के ऊपर ट्रिगर पुल नहीं कर पाते, और वो क्यों होता है, क्योंकि उनके पास कम जानकारी होती है। तो अगर आपके पास इस तरह का स्ट्रेटेजी आ गया तो आपने बिना कोई देरी किए एग्जीक्यूट करना है ट्रेड और मुनाफा कमाना है। इंट्राडे में हमारा सबसे अच्छा कॉल बैंक निफ्टी ऑप्शन है, जो कि मॉर्निंग सेशन में देते हैं 9:15 और जनरली मोस्ट ऑफ द टाइम 10:15 तक खत्म हो जाता है। ऑन एक्सपायरी डेज वी मे गिव अदर कॉल्स आल्सो इन आफ्टरनून सेशन, हीरो कॉल्स व्हिच गिव्स यू एक्सीलेंट रिजल्ट। और नॉर्मल डेज में आफ्टरनून सेशन के अंदर हमारी निफ्टी कॉल दी जाती है। बैंक निफ्टी ऑप्शन और निफ्टी ऑप्शन का यही बेनिफिट है कि आप 10,000 कैपिटल के साथ रोजाना अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटे हैं, टारगेट्स बड़े हैं। एम है प्रॉफिट को कैप्चर करो, मूव आउट कर जाओ। मार्केट कोई जरूरत नहीं है पूरे दिन मार्केट में रह करके ट्रेड करने की। लिसन टू आवर क्लाइंट, जो कि हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों को ट्रेड कर रहे हैं। हाय, आई एम विक्रम फ्रॉम मुंबई एंड आई बीन यूजिंग indianshareTips.com सर्विसेज फॉर ओवर अ मंथ नाउ। आई बीन यूजिंग देयर बैंक निफ्टी ऑप्शन सर्विसेज एज वेल एज देयर निफ्टी ऑप्शन सर्विसेज एंड आई मस्ट टेल यू आई एम सुपरबली इंप्रेस्ड बाय देम। दे आर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल पीपल एंड द गुड न्यूज़ इज यू विल टर्न प्रॉफिटेबल एवरी मंथ if you follow the instructions to the team. Do not be greedy and be extremely disciplined. When they tell you to exit, you must exit. Do not let greed overpower you. That is the only way that you will succeed in this. And I wish the team all the very best. I am for sure going to continue using the services for the rest of my life. And I hope you guys also do the same. Thank you so much. हमें उम्मीद है कि आपको विक्रम के टेस्टिमोनियल से डिसीजन लेने में मदद मिलेगा। और भी वीडियो टेस्टिमोनियल देखना चाहते हैं तो वेबसाइट पे जाइए, वहां पे वीडियो टेस्टिमोनियल्स का लिंक है, आप उसको क्लिक करके और भी बहुत सारे वीडियो टेस्टिमोनियल्स देख सकते हैं। लास्टली, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूले। लॉट ऑफ एफर्ट गोज इन टू मेकिंग अ वीडियो गिविंग यू द करेक्ट पिक्चर। और जो लोग इंट्राडे में इंटरेस्टेड हैं, वो हमारा बैंक निफ्टी ऑप्शन का लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं। हमारी और भी सर्विसेज हैं, इक्विटी, डिलीवरी, कमोडिटी, F&O सेगमेंट, तो इन सब पे आप जाकर के जानकारी हासिल कर सकते हैं। पिक अप द फोन, कॉल अस एट 9988777963 या व्हाट्सएप कर सकते हैं। And we look forward for an association with you. Together we can grow and we will handhold you. Aapki success mein hamari success hai. Go through the disclaimer now. We wish you all the success in market, trading and investing. Thank you.